नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। आज हम बनाना सीखेंगे कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की जरूरत है उनमें शामिल हैं बेसन आधा किलो, दही एक पाव, प्याज दो अदद दरमियाने साइज की बारीक कटी हुई, हरी मिर्च 6 अदद, लाल साबुत मिर्च 5 से 6 अदद, लहसुन के जवे 3 से 4 अदद, कड़ी पत्ता 7 से 8 अदद, जीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा साबुत धनिया जीरा 1 टेबल स्पून, नमक 3 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 2 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, खाने का सोडा 1/2 टीस्पून, पानी हस्बे जरूरत, ऑयल 1 पाव, हरा धनिया 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ। तरकीब, सबसे पहले आप एक पतीली लें, फिर उसमें 1 पाव बेसन डालें, फिर उसमें पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट और दही शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसे मजीद अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप इस मिक्सचर में तकरीबन 3 लीटर पानी शामिल कर दें। अब इस पतीली को चूल्हे पर रख दें और बॉयल होने तक चमचा मुस्तकिल चलाते रहें। जब बॉयल आ जाए तो आंच हल्की कर दें और आधा ढक्कन ढक के इसे 2 घंटे तक दम पर रख दें और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे चेक करते रहें। अब आप पकौड़ों की तैयारी कर लें। एक बाउल लें और उसमें बचा हुआ 1 पाव बेसन डाल दें। फिर इसमें आप बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, खाने का सोडा, नमक, भुना कुटा साबुत धनिया जीरा डालकर इसे मिक्स कर लें। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा सा बैटर बना लें। अब आप एक कढ़ाई लें और उसमें ऑयल डालकर गरम कर लें। फिर इसमें आप पकोड़े फ्राई कर लें। अब आप भगार की तैयारी करें। अब आप लहसुन के बारीक जवे काट लें, बारीक कटी हुई प्याज, कड़ी पत्ते, लाल साबुत मिर्च, हरी मिर्च, जीरा, ये तमाम अज्जा बचे हुए तेल में डालें और इसे गोल्डन ब्राउन कर लें। अब आप कड़ी में पकोड़े डालें और उसका चूल्हा बंद कर दें और फिर ऊपर से भगार शामिल करें। मजेदार सी कड़ी तैयार है। अब आप इसे सादे चावल, रोटी या पराठे के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।